स्वागत है आपका एसएस न्यूज़ में। मैं हूं सोहेल। आज हम मौजूद है बीजापुर के जो बशवेर सर्कल है यहां पे मौजूद है। आज जो राज्य सरकार है जो ये लाचार और बेवजह जो ये जो लाचार रहते हैं उन्होंने भीख के ऊपर और भिक्षा के ऊपर डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं। राज्य सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है, ये एसएस न्यूज़ के माध्यम से एक आवाज़ उठा रहे हैं हम। ये जो लाचार और भिक्षा लेते हुए जो डिपेंड रहती है, जो भिक्षा के ऊपर डिपेंड रह के अपनी ज़िंदगी को चलाते रहती है, उनको पैर नहीं होता, वो लाचार रहते हैं, ज़िंदगी से लाचार रहते हैं। तो उन लोगों के लिए राज्य सरकार जो क्या काम कर रही है, क्या उनकी जान नहीं होती है? जो सामान्य वर्ग की जान जो जनता मानी जाती है उनकी जान होती है, जो राज्य सरकार है जिसको वोट मिलता है, जिसका वोट मिलता है उनकी जान होती है, ये जो गरीब जनता है इनके लिए आवाज़ कौन क्यों नहीं उठा रहे? राज्य सरकार जो है इनके लिए भी कुछ करना चाहिए और इनके लिए भी कुछ योजना जारी करके जो इनको खाना और वैक्सीनेशन का भी इनके लिए सोच नहीं रही है, इनके लिए कौन सोचेगा ये देखेंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो बीजापुर में जो भिक्षा और भिक्षे के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो जनता, जो गरीब जनता लाचार जनता है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे एसएस न्यूज़ माध्यम से। जो आप देख सकते हैं ये जो गरीब जनता है लॉकडाउन में अपने परिवार को लेकर कितना परेशान है, क्या इन लोगों की जान नहीं होती? जो सरकार को वोट देते हैं सिर्फ उन्हीं की जान होती है, सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? आज बीजापुर शहर में कितने लोग दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं, आप ये मासूम बच्चों को देख सकते हैं कि क्या इनको कोरोना नहीं होता? राज्य सरकार जो है कुछ इनके लिए भी कुछ योजना जारी करके इनके बारे में सोचना चाहिए। हमारे घर में तो रहने वाले कौन भी नहीं है, हार्ट का पेशेंट है, हमें गरीब है, मन को खा रहे, कुछ तो मदद करो, बट चालू करो, कैसा भी करके चालू करो, बच्चों को लेके कहाँ जाना। हमारे घर में हार्ट का पेशेंट है, घर में रहने वाले कौन भी नहीं है, कितने दिन तक हम ऐसा ही बैठना गरीब। हमें बसु है, इसमें रहते बसु नगर में। कितने दिन से है यहाँ? हाँ, को 8-15 दिन हुआ मंगे इधर। कोरोना है, कोरोना के बारे में आप कैसा ये कर रहे हैं, आपके लॉकडाउन में कैसा आई? क्या करना, चलते आ रहे भैया, बच्चों को लेके चलते आ रहे, फिर चलते जा रहे, इधर ही खाना दे रहे, कुछ दे रहे, मदद कर रहे, सब लोग मदद कर रहे। आपके घर में कोई भी रहने वाला नहीं? हमारे घर में कोई रहने वाले नहीं, हार्ट का पेशेंट है हमारे घर में, 5 बच्चे है मेरे। अब राज्य सरकार को क्या विनती करना चाहते हैं? वही कुछ तो मदद करो बोल के मदद मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांगते फिर मदद करो बोल के मांग रहे हैं। हार्ट का पेशेंट है घर पे, रहने वाले कोई भी नहीं, 5 बच्चे है, आना जाना करे, गाड़ी बंद हुआ, सब बंद हुआ, पानी भी 8 दिन को एक बार, 15 दिन को एक बार आता है। क्या कितने किलोमीटर है आपका बसों में? 8 किलो। 8 किलो वहाँ से आना जाना करते हैं? हाँ, कैसा पैदल जाते ना। खाने के लिए बहुत तकलीफ है, एक तो खाने नहीं मिल रहा, कामा धंधे नहीं है, क्या करना, दवा खाना चालू है, शुगर बीपी है, हमको चलने नहीं आ रहा, क्या करना, गोली दवा लेने पैसा नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं? ये क्या थे, होटल में कामा करते थे, होटल भी बंद करी जी, अब क्या करना बोलो। कहाँ वाले आप? हमें वज्रहण मान वहाँ रहते हैं जी, 4 किलोमीटर रोज चलते आते चलते जाते। तो राज्य सरकार को क्या विनती करना चाहते? क्या तभी चालू करो, हम ना सर को खाई सरकार करो, भीख मांगे तो भीख भी दे रहे नहीं, अब कौन बेचारे खाना दे रही, खा रहे बैठ को, क्या करना अभी बोलो। तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, दवा गोली लेने पैसा नहीं है, क्या करना। कितने जने घर में? 4-5 जने हैं जी, बच्चे 4 हैं जने। क्या करते हैं? क्या करते हैं, काम बंद हो गए बैठी, मिस्त्री काम, पत्थर बांध काम का काम करते, सब बंद हुआ। वो भी जो आप देख सकते हैं हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बता रहे हैं कि अपने घर की तकलीफ कैसी है, अब लॉकडाउन इफेक्ट में कैसा चल रहा है वो बता रहे हैं। पब्लिक ने ये मांग रही तो भी पब्लिक नहीं दे रही है, इसके चलते वो पेशेंट भी है, उनकी तबीयत भी खराब है। तो राज्य सरकार इस पर गौर करके कुछ तो योजना जारी करके इनको मदद करने के लिए कोशिश करना। तो हम एसएस न्यूज़ से गुहार करते हैं कि इन जैसे गरीब और लाचार लोगों को राज्य सरकार कुछ योजना जारी करके इनकी मदद करे। कैमरामैन अमीन के साथ मैं सोहेल, बीजापुर।